तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, जैसे ये डेटा है और इस डेटा से हमें क्या है, इसमें यूज करना है एवरेज इफ और इफ। तो अपन इस शीट का नाम ही दे देते हैं एवरेज इफ एंड इफ। हमने इस शीट का नाम ही दे दिया एवरेज इफ और एवरेज इफ। अब इसे हमें फार्मूला यूज करना है इन दोनों का। इन दोनों का कैसे, पहले अपने पास यहाँ पे डेटा होना चाहिए। तो डेटा के लिए, इसके लिए आप क्या करेंगे, अपन इसमें जैसे अलग करना चाहते हैं यहाँ पे टोटल वगैरह का। यहाँ पे यदि आप क्या करें, इसको आप काउंट करें, और इसमें अपन निकालना चाहते हैं यहाँ पे इनका टोटल काउंट और एवरेज। इन तीनों में अपन क्या फार्मूले लगाएंगे। तो यहाँ पे टोटल के लिए क्या होता है कि आप सम फंक्शन यूज कर सकते हैं। यहाँ पे टोटल निकालना है तो सिंपल सा क्या करेंगे, जो सम फंक्शन होता है तो आप उसका यूज कर सकते हैं या सम इफ का यूज कर सकते हैं। आप यहाँ पे काउंट निकालना है तो काउंट के लिए भी आप यहाँ पे काउंट इफ का यूज कर सकते हैं, और साथ ही एवरेज निकालना है तो आप इन दोनों का एवरेज निकाल पाएंगे। तो अपन सबसे पहले क्या देखते हैं, इनका टोटल। तो टोटल अपन निकालेंगे सम इफ का यूज करके। यहाँ पे अपन फार्मूला लगाएंगे सम इफ इक्वल साइन सम इफ। इसके बाद हमें क्या लेना है, यहाँ पे रेंज लेना है। रेंज कौन सा रहेगा, यहाँ पे इनका टोटल रहेगा। और इसके बाद यहाँ पे क्या करना है, कॉमा करना है। कॉमा करने के बाद फिर यहाँ पे क्या होना चाहिए, जिसका आपको डेटा अलग करना है। तो अपन को जैसे डेटा यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे यदि अपन अलग करना चाहते हैं काउंट इफ का, इसमें ऑनलाइन का, तो आप ऑनलाइन का ले सकते हो। सिंपल सा आपको ऑनलाइन यहाँ पे, लेकिन उसके लिए आप यहाँ पे अपने को ऑनलाइन होना चाहिए। तो अपन इसके लिए एक टेबल यहाँ पे और छोटी सी बनाएंगे, जिसके बेस पे अपने को डेटा अलग करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे टोटल वगैरह निकालते हैं तो अपन इसको कॉपी करेंगे, जैसे तो यहाँ पे जैसे टोटल है ऑनलाइन या कैश, ये अपने जो लास्ट टाइम टेबल देखी थी इसी टेबल पे हमें यहाँ पे क्या है फार्मूले यूज करने हैं। तो यहाँ पे जो अपन फार्मूला लगा रहे थे वो कौन सा लगा रहे थे, सम इफ का, कि सम इफ क्या है यहाँ पे कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए सिंपल सा हमें करना क्या है, यहाँ पे क्लिक करके इक्वल साइन सम इफ ब्रैकेट ओपन, और फिर आपको क्या करना है, ये रेंज सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे कॉमा, फिर हमें क्या है ऑनलाइन के बेस पे, तो अपन ये जो ऑनलाइन लिखा है इसी पे क्लिक करेंगे, इसका एड्रेस आ जाएगा। फिर यहाँ पे कॉमा, फिर ये रेंज पूछ रहा है तो रेंज कौन सा इस बार अमाउंट का देना है, ये अपन ने रेंज दे दी। ब्रैकेट क्लोज करेंगे और यहाँ पे एंटर करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका टोटल है जो है, ये ऑनलाइन यहाँ पे क्या है ऑनलाइन का टोटल अलग हुआ है। ये सभी का टोटल यदि आप देखो इनका सबका, तो आप सबका टोटल देख सकते हो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे क्या 67,367 है। लेकिन अपन ने सिर्फ किसका टोटल निकाला है, इससे सिर्फ ऑनलाइन का टोटल अपन ने निकाला है। अब हमें क्या करना है काउंट का, तो काउंट सिर्फ किसको काउंट करना है, अपने को ऑनलाइन को काउंट करना है। तो ऑनलाइन के लिए आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो यहाँ पे क्या होता है काउंट इफ का फार्मूला होता है, आप इसमें क्या यूज करेंगे, काउंट इफ का फार्मूला, उसके थ्रू अपन यहाँ पे क्या निकाल लेंगे जो डेटा है कि कितने काउंट ऑनलाइन कितने हैं। तो आप यहाँ पे सिंपल सा इक्वल साइन यहाँ पे लिखना है काउंट इफ, इसके बाद यहाँ पे टैब बटन प्रेस करेंगे। अब ये पूछ रहा है रेंज, तो रेंज कौन सी रहेगी, यहाँ पे ये जो ट्रांजेक्शन टाइप है ये रेंज आएगी, कॉमा। जैसे आप कॉमा करेंगे तो ये क्राइट यहाँ पे क्या ये हाईलाइट हो जाता है क्राइटेरिया। तो हमें इसमें क्या करना है, क्राइटेरिया कौन सा निकालना है ऑनलाइन का, आप इसमें क्लिक कीजिए, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज और एंटर।
आप देख सकते हैं इसमें क्या है, काउंटिंग आ गई कि यहाँ पे टोटल ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कितने हैं, 5 हैं। अब इसके बाद आपको क्या करना है इसमें, सिंपल सा इन दोनों का हमें एवरेज निकालना है। तो एवरेज हम कैसे निकालते हैं इसमें, अगर अपने को नॉर्मल फार्मूला लिखना है तो वो कैसे आप लिखेंगे, इक्वल साइन ये जो टोटल वैल्यू है इसको अपन डिवाइड कर देते हैं किससे, काउंट से। आप इस पे क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे तो ये देख सकते हैं इसका जो एवरेज है वो यहाँ पे क्या होता है, शो हो जाता है 4292। यदि आप नॉर्मल इस पे क्लिक करें तो यहाँ पे क्या है, इनका जो एवरेज है वो आपको इसमें निकालना है। तो आप क्या करेंगे, फंक्शन लगा सकते हैं। इसके लिए अपन ने क्या किया, सिंपल सा यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाया नॉर्मल सा, और वो फार्मूला लगा के अपन ने एवरेज निकाल लिया। लेकिन यहाँ पे क्या, कंडीशन के बेस पे निकालना है। तो कंडीशन के बेस पे कैसे निकलेगा, यहाँ पे जैसे हमें क्या करना है कि अपन जो एवरेज इफ कंडीशन होती है, एवरेज इफ लगाना है। अभी अपन ने सम इफ देखा, काउंट इफ देखा, लेकिन हमें क्या यूज करना है, एवरेज इफ। एवरेज इफ के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको कंडीशन देनी पड़ेगी। यहाँ पे सिंपल से आपको क्या करना पड़ेगा, कंडीशन देनी पड़ेगी। जैसे ये डेबिट का है तो अपन डेबिट के बेस पे, यहाँ पे डेबिट के निकालना चाहते हैं ऑनलाइन के बेस पे। तो आपको करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे जो फार्मूला होता है इक्वल साइन एवरेज इफ, एवरेज इफ। तो यहाँ पे देख सकते हैं एवरेज इफ्स भी आ गया, लेकिन हमें ये यूज क्या करना है इस पे, अभी एवरेज इफ का यूज करना है। फिर आपको ब्रैकेट ओपन करना है इसका, और जैसे ही अपन यहाँ पे क्या करते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो ब्रैकेट ओपन करने में यहाँ पे क्या हो रहा है, इसकी कंडीशन जो है वो शो हो जाती है। सबसे पहले इसको क्या चाहिए, रेंज चाहिए, और इसी के साथ यहाँ पे क्या है जो क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया चाहिए, फिर एवरेज रेंज चाहिए। तो ये क्या है, अपने आप बता, ये एक्सेल जो है अपने आप बताता है कि आपको कौन सा डेटा यहाँ पे सेलेक्ट करना है। और साथ ही क्या होता है, यहाँ पे तो सिंपल से यहाँ पे हमें क्या करना था, एवरेज इफ में हमें इस रेंज को सेलेक्ट करना है जो टाइप है। तो अपन यहाँ पे टाइप सेलेक्ट करेंगे, फिर इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, किसके बेस पे अलग करना है, तो हमें ऑनलाइन के बेस पे अलग करना है। तो आप यहाँ पे ऑनलाइन सेलेक्ट कर लेंगे, फिर आप यहाँ पे कॉमा लगाएंगे। अब क्या चाहिए आपके पास, अमाउंट, तो ये अमाउंट की जो रेंज है इसे आपको सेलेक्ट करना है। और सेलेक्ट करने के बाद अब क्या करना है, आपको ब्रैकेट क्लोज करना है। जैसे आप ब्रैकेट क्लोज करें तो आप फार्मूला देख सकते हैं क्या लगा है, एवरेज इफ। यहाँ पे अपन ने रेंज सेलेक्ट किया ट्रांजेक्शन टाइप का, फिर वो यहाँ पे क्या क्राइटेरिया दे दिया, और साथ ही अपन ने अमाउंट दे दिया। अब जैसे ही आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं जो ऑनलाइन एवरेज है डेबिट का वो यहाँ पे क्या है, शो हो जाता है 4292। हमने यहाँ पे मैन्युअली निकाला था 4292। अब यदि आप क्या करते हैं, चेंजेस भी करते हैं कहीं पे, मान लीजिए यहाँ पे क्या है ऑनलाइन है, ये ऑनलाइन का जो अमाउंट है 5000 की जगह आप क्या हो रहा है, 8000 हो रहा है। और इसके बाद जैसे आप एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं इनका एवरेज वगैरह जो होता है ये सभी चीजें यहाँ पे क्या है, चेंज हो जाती है। आपका यहाँ पे अभी कितना आ रहा है, 4892। कंट्रोल जेड करेंगे तो आप देख सको कितना, 4292 आता है। तो आप क्या एक बार फार्मूला यूज कर लेते हो, और इसके बाद यदि आप चेंजेस भी करते हो तो वो क्या है, सभी में अप्लाई हो जाता है। और यहाँ पे एक चीज और याद रखना है, यदि आप फार्मूला यहाँ पे बना रहे हो और आप यहाँ पे ऐसा फार्मूला बनाना चाहते हो कि यदि आगे एंट्री करना है तो उसमें भी क्या हो, फार्मूला अप्लाई हो, तो उस कंडीशन में जैसे अपन क्या करते हैं, इसमें जो रेंज सेलेक्ट करते हैं तो अपन ये डेटा सेलेक्ट करते हैं, तो आप क्या सेलेक्ट कर सकते हो, यहाँ से टॉप से जो कॉलम होते हैं, यदि आप कॉलम को सेलेक्ट करके रखते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, आप नई एंट्री भी करेंगे तो वो भी उसमें भी क्या होगा, फार्मूला जो है वो अप्लाई हो जाएगा।
तो ये अपन ने ऑनलाइन का निकाला। ऐसे ही आपको कैश और ये डेबिट कार्ड निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा यहाँ पे कंट्रोल के साथ सिंगल कॉलम फार्मूला कॉपी। अब ये क्या करना है आपको, J2 जो है यहाँ पे J2 की जगह आपको क्या करना है, आप J3 लिख सकते हैं। इसका एड्रेस यहाँ पे कैश का कितना, J3 एंटर करेंगे इसका कैश का निकल आएगा। लेकिन आप चाहते हैं कि यहाँ पे हमें क्या है, लिखना ना पड़े, डायरेक्ट ड्रैग करें और यहाँ पे अप्लाई हो जाए, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो फार्मूला है इसको आपको लॉक करना पड़ेगा। लॉक कैसे होगा, ये आपको रेंज सेलेक्ट करना है, F4 प्रेस करना है, ये रेंज लॉक हो जाएगी। दूसरी रेंज जिसको भी लॉक करना है आप F4 प्रेस कीजिए, ये दोनों रेंज लॉक हो चुकी हैं। अब बचा क्या है, ये टोटल वाला जो है, तो टोटल में हम चाहते हैं कि ये J है, J लॉक रहे, तो इसको अपन क्या है शिफ्ट के साथ 4 प्रेस करेंगे डॉलर साइन। लेकिन 2 क्या है, चेंज होता रहे, 2 क्या है रो है, यहाँ पे कैश में आए तो 3 हो जाए, नीचे आए इसके तो यहाँ पे डेबिट कार्ड में क्या 4 हो जाए, इसलिए अपन इसको लॉक नहीं करेंगे। अब आप इसको सिंपल से एंटर करेंगे और जैसे आप इसको नीचे ड्रैग कर लेंगे तो ये क्या है, देख सकते हो यहाँ पे सभी में अप्लाई हो जाता है। तो आप यदि उसको लॉक करके रखते हैं तो यहाँ पे क्या है, आप सभी में इसको यूज कर सकते हैं। तो हमने इसमें क्या, कौन सा फार्मूला देखा, एवरेज इफ का। नेक्स्ट फार्मूला कौन सा आता है यहाँ पे, एवरेज इफ्स का, उसका यूज क्या होता है। अभी अपन ने सिर्फ एक कंडीशन दी है, लेकिन यदि अपन क्या दो कंडीशन देते हैं यहाँ पे, डेबिट का अलग निकालना है हमें और क्रेडिट का अलग निकालना है, तब आप क्या है एवरेज इफ्स का यूज करेंगे। तो अपन सिंपल से आएंगे डेबिट कार्ड पे, यहाँ पे डेबिट पे, और यहाँ पे अपन क्या करेंगे, इसमें जो नेक्स्ट फार्मूला है अपना उसको अप्लाई करेंगे। अगला फार्मूला हमारा यहाँ पे क्या है, इक्वल और एवरेज इफ्स, एवरेज इफ्स ये अपन ने यहाँ पे लिखा। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, एवरेज की रेंज सेलेक्ट करनी है। अब एवरेज इफ और एवरेज इफ्स दोनों में चेंजेस होते हैं, कौन से चेंजेस, जब आप एवरेज इफ लिखते हो तो उसमें सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना पड़ता है ट्रांजेक्शन टाइप। लेकिन इसमें क्या होता है, एवरेज इफ्स में जहाँ पे भी आप इफ्स फार्मूला यूज करोगे तो वो क्या होता है, इफ्स इफ से अपोजिट होता है। अब इसमें हमें क्या है, ये जो रेंज है अमाउंट की, इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, या फिर आप सिंपल से यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, ये पूरा कॉलम सेलेक्ट हो गया। जब भी आप नई डेटा एंट्री करेंगे क्या होगा, इसमें भी ये फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। अब इसमें आपको क्या करना है, कॉमा करना है। जैसे आप कॉमा करेंगे फिर आपको नेक्स्ट क्या करना है, इसमें इसमें अब आपको सेकेंड, यहाँ पे आपने क्या किया, एवरेज रेंज दिया जिसका एवरेज निकालना था। अब वो पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज, क्राइटेरिया की रेंज कौन सी है, तो हमारा क्राइटेरिया क्या है, ट्रांजेक्शन टाइप, इस पे अपन क्लिक करेंगे, ये सेलेक्ट हो गया। तो ये क्या है, ट्रांजेक्शन टाइप सेलेक्ट हो गया। अब इसके बाद आपको कॉमा करना है। अब इसमें से आप क्या, इस ट्रांजेक्शन टाइप से आप अलग क्या करना चाहते हो, हम यहाँ पे ऑनलाइन अलग करना चाहते हैं, इस पे क्लिक कर देंगे, इसका एड्रेस आ जाएगा, फिर आपको कॉमा लगाना है। फिर ये पूछ रहा है क्या, क्राइटेरिया रेंज 2, तो क्राइटेरिया रेंज 2 में आपको क्या करना है, इसमें ये जो आपका डेबिट कार्ड वाला है इस कॉलम को सेलेक्ट कर लेना है, ये कॉलम सेलेक्ट हुआ। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, कॉमा करना है। अभी इसमें भी ये रेंज पूछ रहा है, इस रेंज में क्या है, क्राइटेरिया पूछ रहा है, इस रेंज में क्या आपको अलग करना है। तो यहाँ पे दो चीजें, एक तो डेबिट और क्रेडिट, हम यहाँ पे क्या अलग करना चाहते हैं, डेबिट को अलग करना चाहते हैं, तो अपन ने उसको सेलेक्ट किया। इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, और ब्रैकेट क्लोज करने के बाद आपको सिंपल से यहाँ पे क्या करना है, एंटर करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे डेबिट का जो ऑनलाइन डेबिट हुआ है वो कितना हुआ है, 4,000 हुआ है। ऐसे आपको क्या करना है, अब आप सभी का निकालना चाहते हो, अपन ने इसमें देखा था एवरेज इफ का, लेकिन इस वाले में अपन क्या देख रहे हैं, एवरेज इफ्स। अब हम चाहते हैं क्रेडिट भी निकल आए और कैश का भी, डेबिट और क्रेडिट, ये क्या है, जो अलग अलग यहाँ पे टोटल निकल रहे हैं इनका अलग टाइप से निकले कि कितना अपन ने दिया है और कितना हमने यहाँ पे लिया है। तो आपको सिंपल से यदि यही फार्मूला सब में यूज करना है, पहले फार्मूले को लॉक करना पड़ेगा, क्योंकि यदि आप इसको लेके आओगे तो ये क्या चेंजेस होंगे। आप F2 प्रेस करोगे, अब आपको क्या करना है, इसको लॉक करना है। तो सबसे पहले हम लॉक किसको करते हैं, जो रेंज होती है, अपन पहले कॉलम को, ए कॉलम या रो को लॉक नहीं करते हैं, पहले जो रेंज होती है उसको लॉक करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ये जो डी रेंज है इसी को लॉक करते हैं।
तो सेलेक्ट करने के बाद आपको करना क्या है, कीबोर्ड से F4 प्रेस करना है। तो यहाँ पे जैसा कि देख सकते हो हमने क्या किया, F4 प्रेस किया तो ये क्या हुआ, लॉक हो गया यहाँ पे। इसी के साथ यहाँ पे क्या होता है कि जैसे हम ये सेकेंड रो है, इसको ये वाली रेंज है, इसको भी लॉक करना है, तो आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है। और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको F4 प्रेस करना है, ये भी लॉक हो गया। नेक्स्ट आता है F2, इसको अभी लॉक नहीं करना है, इसको अपन देखते हैं कि इसमें रो लॉक करना है कि कॉलम। पहले अपन रेंज लॉक कर रहे थे, अपन सी रेंज को भी लॉक करेंगे, इसको अभी अपन F4 प्रेस करेंगे। तो अपन ने क्या किया, इन तीनों रेंज को लॉक कर दिए। अब हमारे पास दो सेल बची हुई है, एक तो F2 सेल है, दूसरा बचा हुआ G1 सेल। अब इसमें हमें चेक करना है कि इसमें हमें चेंज करना क्या है। F2 तो F2 है किसका, ऑनलाइन का है। तो अपन क्या करें, जब इस फॉर्मूले को नीचे ड्रैग करें तो ये क्या हो, जो कॉलम है F है, ये क्या है, ये चेंज ना हो। और यहाँ पे क्या है, जो ये ऑनलाइन और यहाँ पे कैश वगैरह है, जो रो है, रो यहाँ पे क्या है, चेंज हो जाए। तो अपन इसके लिए क्या करते हैं, F को लॉक करते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, जो यहाँ पे कॉलम होता है, कॉलम को लॉक करेंगे, रो को लॉक नहीं करेंगे। तो अपन इसको करते हैं शिफ्ट के साथ 4, ये यहाँ पे डॉलर साइन आ गया। अब यहाँ पे रो क्या है, लॉक नहीं है। ऐसे अब आता है यहाँ पे क्या, इसमें आएगा आपका कॉलम का ये G1। तो G1 क्या आता है आपका, डेबिट का है और क्रेडिट का। तो आप यहाँ पे क्या चाहते हैं हम, कि जब क्रेडिट पे आए तो ये क्या H1 हो जाए, तो यानी 1 रहे, रो चेंज ना हो। तो रो चेंज नहीं होगी तो आपको क्या करना है, रो को लॉक करना है। और जी की जगह एच हो रहा है, यानी क्या है, कॉलम चेंज हो रहा है। रो को लॉक करने के लिए आप शिफ्ट के साथ 4 प्रेस करेंगे, ये लॉक हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, एंटर करना है। तो ये जो वैल्यू निकल के आ रही है, ये वैल्यू कौन सी है, ऑनलाइन जो पैसा डेबिट हुआ है, यानी ऑनलाइन जो पैसा गया है वो कितना गया है, 4,000। अब यदि आप इसको ड्रैग करते हो तो आप देख सकते हो कि इसकी जो वैल्यू है, यहाँ पे क्या हुआ है, जो पैसा है ऑनलाइन, यहाँ पे जो कैश है, कैश गया कितना है, 901 गया है। यहाँ पे डेबिट कार्ड के थ्रू कितना गया है, 4,961 गया है। ये पैसा जो दिखा रहा है डेबिट में, ये क्या है, जो पैसा अपने यहाँ से गया है, जो हमने दिया है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या है, क्रेडिट कितना हुआ, हमारे पास आया कितना है। आपको यही फार्मूला यहाँ पे क्या करना है, सेलेक्ट करना है और कॉर्नर पे आके इसको क्या करना है, बगल में ड्रैग कर देना है। अब आपके पास यहाँ पे निकल के आ जाएगा कि कितना पैसा आपके पास आया है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या, अलग अलग टाइप से। अब यदि आप इसका टोटल निकालो, हमारे पास टोटल कितना है यहाँ पे, आप क्या करते हैं, इनका टोटल निकालते हैं, आपको नीचे मिल जाता है यहाँ पे 27,522। साथ ही इसका काउंट यहाँ पे क्या है, एवरेज भी निकल के आ रहा है 45,87। यदि आप सिर्फ इनका टोटल चाहते हो क्रेडिट का, तो क्रेडिट का निकल कितना आ रहा है, 17,000। ऐसे आपको यहाँ पे निकालना है डेबिट का, तो आप डेबिट का निकाल सकते हो कितना पैसा आया है। साथ ही आपको क्या निकालना है, ऑनलाइन कितना है, तो वो आप निकाल सकते हो। आपको सिर्फ करना क्या, फार्मूला अप्लाई भी नहीं करना है, आपको सिर्फ सेलेक्ट करना है। और यहाँ पे आपको जो स्टेटस वाले, इसमें ऑलरेडी क्या है, ऑटोमेटिक कैलकुलेशन आ जाते हैं। तो आप इनमें से क्या जैसा डेटा चाहो वैसा यहाँ पे अलग कर सकते हो। तो ये हमने यहाँ पे देखा एवरेज इफ का और एवरेज इफ्स का, ये दोनों क्या है, काम कैसे करते हैं।